एक मिनट का आसान उपाय लाए खुशियाँ आपके जीवन में। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है, या ऊर्जा में आपको कहीं ना कहीं कमज़ोरी लगती है, इन द सेंस कि आप सामने वाले व्यक्ति का अच्छा कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको सामने से हमेशा आपका नाम खराब हो रहा है, आप जो पाना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, या आपकी बात को इग्नोर किया जाता है। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए, आज वो आपको मैं बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। जब भी जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता है तो सबसे पहले तो इस बात का हमेशा ही ध्यान देना चाहिए कि क्या हमें वाकई में उस व्यक्ति को उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्या वो वाकई में वर्थ है, क्या आप सेल्फ लव करते हैं, यानी कि क्या आप खुद से भी प्यार करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करेगा। कभी भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस अगर आप करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा दुख भी नहीं होगा। छोटी छोटी बातों को आपको जीवन में ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ही किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप किसी के पीछे जाओ तो वो व्यक्ति उतना ही दूर आपसे होता चला जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी लेट गो भी हमें करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी देखेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको मिल रही है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे आप कोशिश करें कि आप किसी को मदद करने की कोशिश करें। वैसे हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए, लेकिन अगर पर्टिकुलर व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट वहाँ पे आप ध्यान दें कि जहाँ ज़रूरत हो तो ही आप बोलें। अदरवाइज़ आप ज़्यादा बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही आप एडवाइस पूछें। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप एक पत्थर से ही अपना सर फोड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय। उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैसे तो आप रोज़ भी इस उपाय को कर सकते हैं, रोज़ नहीं तो संडे संडे तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, एक कांच की बोतल में आपने पानी भर लेना है, नॉर्मल वाला पानी, उस पर आप ढक्कन लगा दीजिए और इसको सूर्य की किरणों में आप रख दीजिए, ठीक है, कम से कम एक घंटा। अभी बारिश आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो ये अभी आप जितना कर लेंगे उतना अच्छा है। इसको आप सूरज की रोशनी में रख लेंगे और उस पानी पे हाथ रखते हुए, यानी कि रखने से पहले आप बोलेंगे ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः, जो कि सूर्य का मंत्र है। या आप बोल सकते हैं ओम सूर्या नमः, ओम सूर्या नमः, ओम सूर्या नमः। तो आपने मंत्र से उस पानी को चार्ज कर लिया, बाद में आपने इस पानी को धूप में रख लिया आधा एक घंटा। इस पानी को बाद में आपको अंदर ले लेना है, उसमें से आपको थोड़ा सा पानी पी लेना है, ठीक है। आप चाहें तो उसमें से थोड़ा थोड़ा रोज़ आप ऐड करते चले जाएंगे अपने पीने वाले पानी में। आपको एक साथ इस पानी को ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा सा पानी आप अलग और कर लीजिएगा। उस पानी का छिड़काव आप अपने बिस्तर पर कीजिएगा, जिस चेयर पे, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं वहाँ पे भी इसका छिड़काव कीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है या आप ऑफिस पॉलिटिक्स के बहुत ज़्यादा शिकार हो चुके हैं तो ऐसे में भी ये पानी बहुत चमत्कारी तरीके से काम करेगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और जब आप पानी पी रहे होंगे ये वाला पानी, उस वक्त आपको ये अफर्म ज़रूर से करना है कि मैं अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं अच्छे लोगों को ही अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, मेरा मान सम्मान बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार से सारी पॉजिटिव बातें ही आपको उसमें बोलनी है। आप तरक्की करना चाहते तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब मेरी तरक्की हो रही है, मेरी प्रमोशन हो रही है, मैं अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिल रही है, मेरी जो ऊर्जा है बहुत ही पॉजिटिव हो चुकी है। इस तरीके से आपको वो शब्द बोलने हैं ये पानी पीने से पहले। अब इस रेमेडी को आप चाहें तो हर संडे संडे कर सकते हैं, आप इस रेमेडी को चाहें तो कंटिन्यू 15 दिन भी कर सकते हैं, इससे भी आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि जो पीने वाला पानी होगा उसमें क्वांटिटी आपको कम रखनी है, यानी कि अगर आप बड़ी बॉटल को चार्ज कर रहे हैं तो उस पानी को एटलीस्ट आप 5-6 दिन चला दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, फिर 5-6 दिन बाद दोबारा से आप इसको चार्ज कर लें, नहीं तो आप एक दिन धूप में रखें, बाकी के 4 दिन आप इसको मंत्र से चार्ज कर लें, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, रोज़ पूरे दिन में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाना शुरू कर दीजिए, यानी कि लंच के बाद कभी भी एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप खा लें, काट काट के एक बॉटल में रख लीजिए। जो रेडीमेड वाला पाउडर आता है वो आपको नहीं लेना है, बाकायदा जो ओरिजिनल जो गुड़ आता है उसके पीसेस आपको करके रखना है और वो आपको छोटा छोटा पीस रोज़ खाना है। इस बात का
भी ध्यान रखना है कि हर रविवार वाले दिन आपको कच्चा नमक नहीं खाना, चाट वाली आइटम्स कोई भी नहीं खानी, अलग से जो मसाला हम ऊपर से डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं ना, वो आप आज के दिन अवॉइड कीजिएगा। और हाँ, किसी की भी चुगली बिल्कुल भी ना करें, जिनको करना है वो उतने कर्म है, आपने इग्नोर करना है, आपने अपने कर्म पे ध्यान देना है, बस इतना ही आप कीजिएगा। फिर देखिए आपका सूर्य भी बलवान हो जाएगा, साथ ही साथ आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा और आपके अंदर एक अलग ही चमक आ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी भी निखर के आएगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।